जून 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस ज्योति सिंह ने एयर इंडिया के पायलट्स के नौकरी संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि पायलट्स के जो रेजिग्नेशंस थे वो गलत तरीके से एयर इंडिया ने एक्सेप्ट किए और उनको नौकरी से निकाल दिया। कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इन सबको नौकरी पे लिया जाए और पीछे की सारी वेतन जो है इनको मिले। ये जो फैसला है ये सिर्फ एयर इंडिया के पायलट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि देश के जो भी कर्मचारी हैं देश में, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयर के साथ हैं चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के साथ हैं, मुझे लगता है कि ये सब लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो मुद्दे उठे और जो कोर्ट ने कहा वो एक एक करके मैं बताऊंगा। इसमें पहली बात ये थी कि क्या रेजिग्नेशन जो दिया जाता है क्या वो एक्सेप्ट होने से पहले उसको विड्रॉ किया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ विड्रॉ किया जा सकता है। और इस पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा देयरफोर द इनएविटेबल पोजिशन दैट एमर्जीज इज दैट पेटिशनर्स हैड ए राइट टू विड्रॉ द रेजिग्नेशंस ऑन वेरियस डेट्स दैट दे डिड प्रायर टू देयर एक्सेप्टेंस एंड पोजिशन एडॉप्टेड बाय द रिस्पोंडेंट टू कॉन्ट्रेरी इज अनएक्सेप्टेबल। दूसरा जो सवाल उठा वो ये उठा कि एक बार अगर हमने विड्रॉ कर लिया तो क्या एम्प्लॉयर जो है बाद में उसको एक्सेप्ट कर सकता है। कोर्ट ने कहा नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इस बारे में कोर्ट ने कहा वंस द पेटिशनर्स वर एंटाइटल्ड अंडर द रूल्स टू विड्रॉ द रेजिग्नेशंस एंड हैड सो विड्रॉन वैलिडली द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट बेग्स एन आंसर इज वेदर इट वॉज ओपन टू द रिस्पोंडेंट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशंस। इन माई व्यू द आंसर टू द क्वेश्चन कैन ओनली बी इन द नेगेटिव। द मोमेंट द रेजिग्नेशंस वर विड्रॉन ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड एंड प्रायर टू दियर एक्सेप्टेंस दे वर ननेस्ट एंड नॉन एग्जिस्टेंट इन द आईज ऑफ लॉ ऑन द डेट्स द रिस्पेक्टिव डिसीजंस वर टेकन टू एक्सेप्ट देम। इसके बाद जो तीसरा सवाल उठता है वो ये आता है कि क्या एम्प्लॉयर बिना दिमाग अप्लाई करे, दैट इज कॉल्ड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट कर सकता है। कोर्ट ने कहा नहीं, उसको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, उसको फैक्शन जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करके ही फैसला लेना पड़ेगा। और इसके बारे में कोर्ट ने जो है वो कहा कोर्ट ने क्या कहा, द एब्सोल्यूट राइट ऑफ एन एम्प्लॉयर टू कंसीडर एन ऑफर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज कैन नॉट बी क्वेश्चन बट द एम्प्लॉयर कैन नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन विदाउट अप्लाइंग हिज माइंड टू द रीजन्स फर्निश्ड मोर पर्टिकुलरली वेन द रेजिग्नेशन इज सॉट टू बी विड्रॉन बाय एन एम्प्लॉई एन एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिग्नेशन वुड लीड टू द एम्प्लॉयर विल लीड टू द एम्प्लॉई लूजिंग हिज जॉब एंड लाइवलीहुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये उठा कि क्या जो एम्प्लॉयर है वो, और खासकर जब एक स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटी है लाइक एयर इंडिया, तो क्या वो फाइनेंशियल क्रंच के बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयज को निकाल सकता है जो कोविड से अराइज हुई है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप फाइनेंशियल क्रंच का जो प्ली है वो ले नहीं सकते हैं। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा, इस पर कोर्ट ने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग टिप्पणी करी है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है स्टेट और इट्स एजेंसीज अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट क्लेम फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स और इंपैक्ट ऑफ द पेंडेमिक एज ए ग्राउंड फॉर डिस्पेंसिंग द सर्विसेज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इन द मैनर अडॉप्टेड इन द प्रेजेंट केस। स्टेट हैज फिड्यूशरी ड्यूटी
परफॉर्म टूवर्ड्स द सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 19(1)(g) एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज इट बिकम्स द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ ए वेलफेयर स्टेट टू सिक्योर द राइट्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द सिटीजन्स इन व्यू ऑफ द अबव फाइंडिंग्स एंड सर्कमस्टांसेस इट इज हेल्ड दैट फाइनेंशियल क्रंच कैन नॉट बी अ रेलिवेंट कंसिडरेशन इन डिसाइडिंग द इश्यू ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन बी इट इग्निमिनेटेड that when the legal position on acceptance of resignation is so well settled as noted above, it was futile for the respondent to base its decision on the alleged losses as it has been suffering and continues to suffering on account of pandemic COVID-19. इसके बाद जो एक इशू उठा वो ये उठा मॉडल एम्प्लॉयर कि भाई ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट है ये एक मॉडल एम्प्लॉयर होता है और इसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए. तो कोर्ट ने कहा इनका कंडक्ट बहुत फेयर और रीजनेबल होना चाहिए और इस पर कोर्ट ने जो है टिप्पणी करी है वो ये कहा है विद रिग्रेट I note in the grappled guise of accepting resignations quite clearly respondent has found an easy path to dispense with the services of the petitioner without following any procedure known to law and without having to bear the monetary consequences and liabilities thereto. In this context, the court is reminded of the observations of the Supreme Court in which, in my view, are apt to the present situation and I quote, The court cannot but condemn circuitous ways to easy out uncomfortable employees. As a model employer, the government must conduct itself with high probity and candor with its employees. और उसके बाद आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी देता है उसके ऊपर भी कोर्ट ने यह कहा कि ये जो टर्मिनेशन हुए हैं एम्प्लॉइज के ये आर्टिकल 14 का जो है वो वायलेशन है. तो इस पे जो है कोर्ट ने क्या कहा है ये भी देखते हैं. कोर्ट ने ये कहा इसमें The Supreme Court has time and again held that once the state or its instrumentality is a party to a contract, it has an obligation in law to act fairly, justly and reasonably, which is the requirement of Article 14 of the Constitution. The Supreme Court also observed that scope of judicial review in contractual obligation may be limited and parties may be relegated to adjudication of their rights by resorting to remedies for purely contractual disputes. However, to the extent the challenge on an impugned act is on ground of arbitrariness and unfairness on the touchstone of Article 14, the fact that the dispute also falls in the domain of contractual obligation would not relieve the state of its obligations and to this extent the obligation is of public character. Ab jo hai na court ne फाइनली ये कहा कि बैक वेजेस का जो इशू था लास्ट में उस पर उन्होंने कहा कि जो रूल है नो वर्क नो पे वो नहीं अप्लाई करता और इन सब एम्प्लॉइज को जो है आपको पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी. और उसके ऊपर कोर्ट ने फाइनली क्या कहा है The next issue, therefore, which confronts this court is of grant of back wages to the petitioner. There is no straitjacket formula or a settled law on the grant of back wages. However, what is clearly settled is that where an employee is willing to work but is kept away by the employer, the principle of no work, no pay will not apply. अभी बहुत सारी courts जो है इस principle को जो है एक तरीके से अप्लाई कर रही है जो कि इस कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट ने कि ये आप ऐसे स्ट्रेट जैकेट नहीं है कि नो पे नो वर्क. जब एक वर्कर अपने आप को प्रेजेंट करने करता है या करने के लिए तैयार है
तो आप फिर ये जो प्रिंसिपल है नो वर्क नो पे वाला नहीं अप्लाई कर सकते। और कोर्ट ने अल्टीमेटली सारे एम्प्लॉइज को, एयर इंडिया के जो पायलट्स थे ये, इनको पूरी तनख्वाह के साथ जो है रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है और दूसरे केसेस को भी प्रभावित करेगा और वर्कर्स की एक तरीके से बहुत बड़ी जीत है। थैंक यू।